नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल जिसका नाम है पीके कॉमर्स क्लासेस। साथियों, दिल थाम के बैठे आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक टॉपिक जो है अभी आने वाला है। और यदि मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूं तो बहुत यूजफुल, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली ये तब काम आता है जब हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक खास बात यदि मैं यहाँ पर और आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो टेली में जब हम लोग काम करते हैं, आप लोग जब काम करते हैं तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन जो है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपका जो मेन स्क्रीन अभी टेली का आ रहा है, तो कुछ कीज आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। जैसे आप ऊपर टॉप में देखेंगे तो कंपनीज के लिए है, डेटाज है आपका, एक्सचेंज है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मेल प्रिंट हेल्प एक्सेट आपका डेटा है ना कंपनी। लेकिन यदि उस ऑप्शन की बात करूं तो वो एक तरीके से कि ऑन स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ऑन स्क्रीन हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि उस ऑप्शन की इम्पोर्टेंस हम समझ जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी जो है ना फायदेमंद होने वाला है। तो करते हैं आज के टॉपिक को हम शुरू। बस उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं ये करता हूँ आप सभी से स्टार्टिंग में कि वीडियो को जो है आप स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा लेंथ की वीडियो तो मैं खुद भी नहीं बनाता। मोस्टली 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ होते हैं और इतना टाइम इसलिए लग जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से हम उस ऑप्शन को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो स्किप करने से क्या होता है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो खास बातें होती हैं वो कई बार हमसे छूट जाती हैं, ठीक है। करते हैं आज के टॉपिक को शुरू साथियों। देखिए, करना क्या आपको और उस इंपॉर्टेंट ऑप्शन की यदि बात करें कि वो हमारे लिए क्यों इतना यूजफुल है, तो हम एक बार चलते हैं यहाँ पर डे बुक में, ओके। और डे बुक में जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पर डे बुक आ रहा है 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एल्टर एफ टू से क्या करता हूँ, इसका टाइम पीरियड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों कॉलम्स यहाँ पर ब्लैंक कर दिए, खाली छोड़ दिए। साथियों, एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि आप फ्रॉम और टू को जब ब्लैंक करते हैं तो ब्लैंक करने का मतलब ये होता है कि आप टेली को ये बताना चाहते हो कि जहाँ से इस फाइनेंशियल ईयर में जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है उस डेट से लेकर और जिस डेट तक काम किया गया है वहाँ तक का काम आपको जो है यहाँ पर रिपोर्ट में शो हो जाए, तो आपको यहाँ पर डेट देने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने देखा यहाँ पर जैसे कि मेरा 1 अप्रैल से काम हुआ है और 1 दिसंबर तक हुआ है, तो उतनी एंट्रीज जो है, उतना काम जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यदि आप करना चाहें तो एक तरीका ये भी होता है कि जब आप यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज करते हैं तो आप खुद यदि मैनुअल आप उसमें डेट फिल करना चाहें कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको काम देखना है, तो साथ ही वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 31 दिसंबर तक देखना चाहता हूँ, तो अब आप यहाँ पर ऊपर टाइम पीरियड देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और यदि आप ये चाहते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप दिखा दे और जहाँ तक हुआ वहाँ तक भी अपने आप दिखा दे, ठीक है, तो उसके लिए यदि हमने दोनों कॉलम्स ब्लैंक भी कर दिए, खाली भी छोड़ दिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात थी साथियों, आप इसको पहले से जानते हैं, बहुत सारे यूजर्स जानते हैं इस चीज़ को। बात करते हैं आज के नए टॉपिक की, आज हम नया क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो, अभी आपके सामने यहाँ पर डे बुक आ रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट भी है, जर्नल भी है, सेल्स भी है, कॉन्ट्रा भी है, यानी अलग अलग जो भी हमने वाउचर्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर ऑन स्क्रीन है। अब सपोज मान लीजिए कि आपको ये डे बुक है, इसको प्रिंट करना है, आपको ये डे बुक प्रिंट करना है और आपसे केवल ये कहा गया है कि आप खुद ये चाहते हैं कि हमें 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज हैं उनमें से केवल और केवल उन जर्नल एंट्रीज का प्रिंट हमें लेना है या उन जर्नल एंट्रीज को हमें देखना है यहाँ पर ऑन स्क्रीन जिनका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर हो। जी साथियों, जिनका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर हो, 2 लाख रुपए से ऊपर हो, 5 लाख रुपए से ऊपर हो, जितना आप चाहें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात कर लें। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 10,000 रुपये की एंट्री भी आपके सामने ऑन स्क्रीन है, 15,000 रुपये की है भी है, ठीक है, जो 2,67,750 वो एंट्री, यानी अलग अलग अमाउंट की अलग अलग एंट्री जो आपने यहाँ पर की होगी, 200 रुपये की एंट्री है वो भी आपके सामने यहाँ पर आ रही है, 1,000 रुपये की एंट्री वो भी आपके सामने आ रही है। तो साथियों, हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ डे बुक में हम केवल उन एंट्रीज को देखना चाहते हैं या उनका प्रिंटआउट लेना चाहते हैं जिनका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर है, ठीक है साथियों। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मैं बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक आपको ट्रिक बताने वाला हूं और उसको आप जरूर यूज करें। तो आपको क्या करना है, यहां पर डे बुक में रहते हुए Alt+F12 करना है साथियों। क्या करना है, Alt+F12 साथियों, इसको हम बोलते हैं रेंज बटन,
क्या बोलते हैं साथियों, रेंज बटन। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप जरूर इस चीज नोट कर लीजिए कि हम आज बात कर रहे हैं रेंज बटन की। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट। साथियों, जैसे आप यहाँ पर रेंज बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट आपको दिखने वाली है। तो मैं यहाँ पर रेंज बनाता हूँ एक वाउचर के अंदर, और रेंज बनाने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के ऑप्शन भी है कि हम किस प्रकार के रेंज बनाना चाहते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर रेंज बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, लेजर अमाउंट के ऊपर। जी साथियों, मैं यहाँ पर रेंज बना रहा हूँ लेजर अमाउंट के ऊपर। और लेजर अमाउंट पे जब आप रेंज बनाते हैं तो रेंज आपको किस प्रकार से लेनी है, तो मैंने यहाँ पर कहा ग्रेटर देन। मैंने कहा साथियों ग्रेटर देन, और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स मैं टेली को ये कहना चाहता हूँ कि भैया मुझे उन एंट्रीज को दिखा दो जिनका अमाउंट, जिनके लेजर का अमाउंट अबो 1 लाख हो, ग्रेटर देन 1 लाख को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो साथियों, बहुत ही एक स्पेशल हमारे पास एक की है टेली की, Alt+F12 रेंज बटन। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि अब आपके सामने केवल वो एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं जिनका अमाउंट अब वो 1 लाख है, ग्रेटर देन 1 लाख है। यानी बाकी की जो एंट्रीज है वो यहाँ से एक बार के लिए हट चुकी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो परमानेंटली यहाँ से चली गई है। ठीक है, तो आप इसको देख भी सकते हैं, जो आपकी ऑन स्क्रीन है, आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं साथियों। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर एस्केप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पहले की जो सिचुएशन थी डे बुक की, वो वापस यहाँ पर आपके सामने आ जाती है, किससे, एस्केप करने से। तो एक तो मैंने आपको यहाँ पर रेंज बटन को कैसे यूज करें, ठीक है, Alt+F2 को वो बताया, लेजर अमाउंट के ऊपर मैंने ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक प्रैक्टिकल और करते हैं यहाँ पर, ताकि ये टॉपिक 100% हमारा आज यहाँ पर क्लियर भी हो जाए। सपोज यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई भी वाउचर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेमेंट वाउचर यहाँ पर ले रखा है, और मैं इसके नरेशन में, साथियों मैं इसके नरेशन में एक नाम लिख देता हूँ रमन। साथियों, मैंने इसके नरेशन में क्या लिखा, रमन। ओके, और मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो साथियों, 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमारे सामने हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि इनमें से उन एंट्रीज को यहाँ पर शो किया जाए, इनमें से उन एंट्रीज को यहाँ पर शो किया जाए साथियों, जिसके नरेशन में क्या लिखा हो, रमन। अब क्या होता है, देखो इस ऑप्शन की इंपॉर्टेंस भी क्यों है वो हम बात करें, कि यहाँ पर फिलहाल ठीक है कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, आप एक एक जर्नल एंट्री में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किसके नरेशन में रमन लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, लेकिन वो हमारा टाइम वेस्ट करने वाला काम होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसको नहीं नॉलेज हो, क्या करेगा, फर्स्ट एंट्री के ऊपर एंटर बटन प्रेस करेगा, फिर नरेशन में देखा गया रमन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो बैक करेगा। ठीक है, तो वो ढूंढने वाला काम बड़ा, एक एक एंट्री पर यदि हम टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या साथियों, Alt+F2 आपको दोबारा प्रेस करना है, Alt+F12 दोबारा आपको प्रेस करना है, वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, और साथियों इस बार हम यहाँ पर लेजर अमाउंट के बजाय किसको सेलेक्ट करेंगे, नरेशन को, क्योंकि हम जो रेंज बना रहे हैं वो किसके ऊपर बना रहे हैं, नरेशन के ऊपर बना रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पर लिया कंटेनिंग। कंटेनिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कि आप कौन सी जर्नल एंट्रीज को ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं। तो साथियों, मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, एक रेंज बना दी कि मुझे वाउचर में नरेशन में जहाँ पर रमन लिखा हो केवल उन्हीं एंट्रीज को यहाँ पर ऑन स्क्रीन लेके आए। तो आपने मैजिक देखा कि जितनी बाकी एंट्रीज है वो सारी हट चुकी हैं, केवल आपके सामने वो एंट्री यहाँ पर रह गई है, बच गई है, जिसके नरेशन में आपने क्या लिखा था, रमन लिखा था। ठीक है, अब मैं एक वाउचर में और यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दोबारा जो है एक नरेशन जो है उसमें लिखा रमन। ठीक है, और दोबारा हम यहाँ पर रेंज बटन यूज करते हैं, वाउचर लेते हैं, नरेशन लेते हैं, और कंटेनिंग यहाँ पर लेते हैं, और फिर मैंने यहाँ पर लिया रमन। तो साथियों, इस बार हमें कितनी एंट्रीज दिखाई देंगी, केवल 2। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि एक एक जनरल एंट्रीज के ऊपर हम एंटर बटन प्रेस करें और चेक करें कि उसके नरेशन में जो है रमन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और यदि हम ऐसा कर भी लेते हैं, ढूंढ भी लेते हैं, पता भी लगा पाते हैं, तो साथियों बाकी की जो जनरल एंट्रीज है वो तो आपके सामने आ ही रही है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ ऑन स्क्रीन केवल वो एंट्रीज हमें दिखाई दे जिनका अमाउंट 1 लाख हो, या कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं यहाँ पर, या जिसके नरेशन में क्या लिखा हो, रमन लिखा हो। तो बाकी की एंट्रीज जो वो अपने आप यहाँ से हट जाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया वो आप किसी भी रिपोर्ट के ऊपर जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्प्ले इसमें चलते हैं अपने अकाउंट बुक्स में, और कई बार होता है जैसे मान लीजिए भाई आप कैश बुक देख रहे हो,
और कैश बुक यहाँ पर मैंने एंटर करा दिसंबर, तो ओनली दिसंबर का आएगा। एल्ट्रेफ टू करके टाइम पीरियड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी जितनी एंट्रीज आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन जो है आपकी पेमेंट वाउचर की जो एंट्रीज हैं, जो आपने पेमेंट किया था, वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है साथियों। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसका एक प्रिंट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं एंट्रीज का प्रिंट लेना चाहते हैं जिनका अमाउंट अब वो 2 लाख रुपीज़ हो। तो आप यहाँ पर रेंज सेट कर सकते हैं, ठीक है। वाउचर आपको यहाँ लेना है, लेजर अमाउंट आपको यहाँ लेना है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेसर देन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन सेट करें। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन कर लिया, कितना अब वो 2 लाख रुपीज़। तो साथियों इस प्रकार आपने देखा कि बाकी की जो एंट्रीज है वो यहाँ से एक बार के लिए हट चुकी हैं और केवल वो एंट्रीज आपके सामने आ चुकी हैं जिनका अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, क्योंकि आपने ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज़ लिए हैं साथियों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ करें। और एक्चुअली यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन की ऑप्शन हमें दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। बाकी यदि बात करें और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप समझ चुके होंगे इतना प्रैक्टिकल देखने के बाद में कि इस ऑप्शन की कितनी इंपॉर्टेंस और कितना अच्छा ये ऑप्शन शानदार हमारे पास में है। साथियों बस इतना आपको बता देता हूं कि आप रेंज को प्रॉपर तरीके से सेट करें, क्योंकि रेंज को सेट करने के अलग अलग मेथड्स हमारे पास में हैं, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा था। तो आपको लेजर बनाना यदि आ गया तो बहुत शानदार आपके पास में एक ऑप्शन होगा और इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन आप प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वो तुरंत आप लोगों तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो साथियों सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।